चलिए इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। सबसे पहले एसीएस होम राजीव स्वरूप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अनलॉक 1.0 को लेकर जानकारी इसमें दी गई, राज्य सरकार की गाइडलाइंस की जानकारी दी, बफर जोन में जिला प्रशासन नियम तय करेगा, कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी, स्कूल और कॉलेज 30 जून तक बंद रहेंगे, प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल, मेट्रो, जिम, मॉल भी बंद रहेंगे, सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान, शराब पीने पर पाबंदी रहेगी, कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर बसों का संचालन भी होगा, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, सरकारी कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे, छोटी दुकानों में 2 और बड़ी दुकानों में 5 व्यक्ति एक साथ आ सकते हैं, अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं है, विवाह समारोह की एसडीएम को सूचना देनी होगी, विवाह समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी, ये बहुत अहम है, और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना अगर नहीं की गई तो जुर्माना लगेगा। एसीएस होम राजेश स्वरूप की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये तमाम जानकारियां उन्होंने दी, अनलॉक 1.0 को लेकर ये जानकारियां दी गई, राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनके बारे में अवगत यहां पर करवाया गया, बफर जोन में जिला प्रशासन नियम तय करेगा, तमाम तरह की जानकारी जो है अनलॉक 1.0 को लेकर वो दी गई, स्कूल और कॉलेज 30 जून तक बंद रहेंगे और रात्रिकालीन कर्फ्यू जो है वो प्रदेश में जारी रहेगा, धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, एसीएस होम राजेश स्वरूप ने पीसी की और अनलॉक 1.0 को लेकर जानकारी दी गई, राज्य सरकार की गाइडलाइंस की यहां पर जानकारियां दी, बफर जोन में जिला प्रशासन नियम तय करेगा, कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं होगी, स्कूल और कॉलेज 30 जून तक बंद रहेंगे, प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू भी जारी रहेगा, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल, मेट्रो, जिम, मॉल बंद रहेंगे, सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान और शराब पीने पर पाबंदी रहेगी, कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर बसों का संचालन हो सकेगा, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, सरकारी कार्यालय जो है वो पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे, छोटी दुकानों में 2 और बड़ी दुकानों में 5 व्यक्ति एक साथ आ सकते हैं, अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं होगी, विवाह समारोह की एसडीएम को सूचना देनी होगी और 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे किसी भी विवाह समारोह में, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बिल्कुल अनिवार्य है वो करनी पड़ेगी। सरकार के द्वारा लॉकडाउन 5 के आदेश आज जारी किए गए हैं जो 30 जून तक प्रभावी रहेंगे। ये गाइडलाइंस इस सिद्धांत पर बनी है कि सामान्य जनजीवन जो है इसकी ओर सावधानी पूर्वक धीरे धीरे बढ़ा जाए। इसके लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थलों और लोक परिवहन में सभी लोगों द्वारा संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों की पालना की जाए। आप सब जानते हैं कोरोना वायरस से खतरा अभी भी बरकरार है, परंतु 10 हफ्ते के लॉकडाउन से इसके सामुदायिक फैलाव को रोका गया है, राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है कि किसी भी परिस्थिति से अब निपटा जा सके, टेस्टिंग कैपेसिटी जो है उसमें भारी वृद्धि की गई है और सभी लोग इस खतरे से अब की गंभीरता से परिचित हो गए हैं, जानते हैं और क्या सुरक्षात्मक कदम उठाने हैं उसकी भी उनको अब पूरी जानकारी है और वो लोग फॉलो भी करने लगे। इसलिए अभी हमें
कुछ समय तक कोरोना के साथ अपना सामान्य जीवन जीने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं सब लोगों को सावधान करना चाहूंगा कि जहां कहीं भी लॉकडाउन जल्दबाजी में खोला गया है या लोगों ने सावधानी नहीं बरती है तो वहां पर स्थिति पूर्व से भी बदतर हुई है और लॉकडाउन और सख्ती से लगाना पड़ा है। जो कोई भी गैर जिम्मेदार होता है वो स्वयं को या अपने परिवार को एवं औरों को काफी संकट में डाल सकता है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, इनमें महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्या गतिविधियां अब खोली जा रही हैं, क्योंकि कुछ सीमित को छोड़ के बाकी सारी गतिविधियां खोली जा रही हैं। एम्फेसिस जो है इन सारी गाइडलाइंस पे ये है कि क्या सुरक्षात्मक कदम अपने को उठाने हैं और क्या गतिविधियों किन गतिविधियों के साथ क्या क्या सुरक्षात्मक कदम उठाए जाए। जहां कहीं भी पॉजिटिव केसेस आते हैं वहां पर एक कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है जिससे कि उस संक्रमण को वहीं का वहीं आइसोलेट और रोक दिया जाए। इस एरिया में कर्फ्यू भी लगता है, यहां किसी भी प्रकार की गतिविधि अनुमत नहीं है, केवल मेडिकल या बहुत ही अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित। कंटेनमेंट जोन के जस्ट बाहर एक बफर जोन होगा, यहां पर जिला प्रशासन स्थिति को देखते हुए तय करेगा कि क्या गतिविधियां अनुमत की जाए और क्या नहीं की जाए। समस्त राज्य में 30 जून तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा, रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। अग्रिम आदेश तक निम्न गतिविधियां प्रोहिबिटेड रहेंगी, निषिद्ध रहेंगी राज्य में। अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, सारी समस्त शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी, केवल ऑनलाइन लर्निंग होगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, बार्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल और इस तरह से सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक किसी भी प्रकार का ना तो कोई फंक्शन होगा और ना ही कोई सम्मेलन होगा। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, क्लब हाउसेस में वो छोड़ के जो उनकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, ये सब फिलहाल बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स भी अभी बंद रहेंगे और सभी धार्मिक और पूजा स्थल भी अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। कोरोना के तहत हमने कुछ सुरक्षात्मक कदम जो लेने हैं वो निर्धारित किए हैं। ये हैं नेशनल डायरेक्टिव्स हैं कोविड मैनेजमेंट के लिए, ये अति आवश्यक हैं। जो सार्वजनिक स्थलों के लिए हैं उनको पालना करना अनिवार्य है, नहीं तो फाइन से दंडित किया जा सकता है। जैसे कि बाहर निकलने पे मास्क या फेस कवर पहनना, सार्वजनिक या कार्यस्थलों पे थूकने वर्जित है, सामाजिक दूरी बनाए रखना जो है न्यूनतम 6 फीट की दूसरों से, सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, तंबाकू आदि का सेवन, और सभी लोगों को सलाह दी जाती है कि जब कभी कि एक तो समय समय पर हाथ साबुन से धोते रहें, और जब जहां कहीं भी आपने ऐसा पॉइंट छुआ है जो पब्लिक कॉन्टैक्ट में है, डोर हैंडल्स हैं, रेलिंग्स आदि हैं, तो आप तत्काल अपने हैंड को सैनिटाइज करिए या साबुन से धोइए। आपको अपने आप को भी सुरक्षात्मक रखना होगा। कार्यस्थलों के लिए भी कई शर्तें निर्धारित की गई हैं और उनका जैसे शिफ्ट है, सोशल डिस्टेंसिंग है और पारियों में अंतराल है, स्टैगर्ड बिजनेस आवर्स हैं, और जो भी इनके मैनेजर्स हैं या इंचार्ज हैं इनको इन शर्तों की पालना करने के लिए उत्तरदायी रहेंगे वो, और नहीं करने पर अगर पाया गया तो इनको बंद किया जा सकता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि ये अति आवश्यक है कि
जो ये व्यवस्था कर रहे हैं और लोग वहां जा रहे हैं तो पूर्ण सुरक्षा से काम हो। कुछ जनसंख्या के ऐसी श्रेणी है जिनको कोविड से ज्यादा खतरा है, जैसे 65 वर्ष की आयु से ऊपर की आयु के लोग, जो लोग जिनको पुराने रोग हैं, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम की आयु के बच्चे, इनको यथासंभव घर पे ही रहने की सलाह दी जाती है। और यदि यह बाहर निकले तो 100% पूर्ण पालना करें जितने भी सुरक्षात्मक उपाय हैं, सबसे ज्यादा उनको खतरा रहेगा। अब जो अनुमत गतिविधियां हैं, अब नेगेटिव लिस्ट मैंने बता दी, बाकी सब कुछ अनुमत है। कुछ गतिविधियों के लिए हमने विशेष शर्तें रखी हैं, जैसे कि दुकानें हैं, दुकानदार किसी को सेल नहीं करेगा अगर उसने मास्क नहीं पहना है। एक दुकान में एक समय पर, छोटी दुकान में 2 व्यक्ति और बाकी दुकानों में 5 व्यक्ति ने से ज्यादा अंदर नहीं घुस सकते, बाकी बाहर लाइन में वेट करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। किसी भी दुकान ने, और ये दुकानदार भी समय समय पर सैनिटाइज करता रहेगा, काफी सुरक्षात्मक कदम उठाएंगे। कोई भी दुकानदार इसकी पालना नहीं करेगा तो दुकान सील हो सकती है और फाइन भी लग सकता है या कानूनी कार्रवाई। सलून, ड्यूटी पार्लर, नाई की दुकानें, ये भी इनके लिए भी सुरक्षात्मक कदम निर्धारित किए गए हैं, जो हर ग्राहक के बाद एक तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और सारे उपकरण को समय समय पर सैनिटाइज आदि करेंगे। दुकान, ठेला वगैरह, जैसे चाट, चाय, जूस काउंटर वगैरह हैं, इनके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए हैं, विशेषकर कि पूरी साफ सफाई, स्वच्छता और कचरा निष्पादन, सोशल डिस्टेंसिंग आदि इनकी पालना करेगी और म्युनिसिपल अथॉरिटीज द्वारा समय समय पर इनकी जांच भी की जाएगी कि ये इसकी पालना कर रहे हैं। पार्कों में भी अब पार्क खुल सकते हैं जो भी अनुमत टाइम है, सुबह से रात्रि तक, परंतु वहां पर कोई भी ऐसी पॉइंट जहां पर कोई टचिंग रिलेटेड हो वो परमिटेड नहीं है, जैसे कि ओपन जिम्स हैं, आपके स्विंग्स वगैरह हैं, झूले हैं, और गेट भी ये कहा गया है कि खोल के रखें जिससे कि वो जो छोटे छोटे गेट्स हैं उनको लोगों को हाथ नहीं लगाना पड़े। विवाह संबंधी समारोह जो है उसके लिए जो पूर्व निर्धारित शर्तें हैं वही ये लागू होंगी कि एक तो पूर्व सूचना देनी होगी एसटीएम को, 50 से अधिक गेस्ट नहीं हो सकते और समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी, इसकी पालना नहीं करने पर भारी जुर्म है। अंत्योष्टि, अंतिम संस्कार के समय 20 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। सभी कार्यालय जो हैं वो सरकारी कार्यालय अब पूर्ण क्षमता से खुलेंगे, स्टाफ स्ट्रेंथ से। इसी प्रकार समस्त निजी कार्यालय भी अप टू फुल स्ट्रेंथ कर सकते हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम जो है वो इंकरेज किया गया है। जो अब व्यक्तियों और माल आदि वस्तुओं के परिवहन पे पूरा फ्री मूवमेंट है राज्य के भीतर और अंतर राज्य, एक्सेप्ट फॉर कंटेनमेंट जोन्स या कुछ और जो प्रतिबंध लगाए जाए। किसी प्रकार की पास आदि की अव्यवस्था समाप्त कर दी गई है। जो भी कमर्शियल यात्री वाहन है, बस, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, उनमें हर यात्री के बैठने से पूर्व और बाद में प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना होगा। किसी भी वाहन में जो उसकी ऑथराइज्ड सीटिंग क्षमता है उससे अधिक यात्री नहीं बैठ सकते, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी और वाहन को जब्त किया जाएगा।
राज्य में बसें अब पुनः चालू कर दी जाएंगी। वो जो स्वीकृत उनके मार्ग हैं अंतरराज्य या राज्य के भीतर, अगेन कंटेनमेंट जोन में नहीं। जो बस संचालक है उसकी जिम्मेदारी है कि बसों में पूर्ण सुरक्षात्मक उपाय किए जाएं, लोगों के चढ़ने पर उतरने पर सैनिटाइज किए जाएं कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, और जर्नी से पहले और बाद में पूरी बस का प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया जाए। सिटी बस फिलहाल अभी आरंभ नहीं की जा रही है। एक जन जागरूकता का अभियान जारी किया जाएगा जिसमें लोगों को बताया जाएगा सुरक्षात्मक उपायों के बारे में। तीन महत्वपूर्ण उपाय हैं, अपने को सुरक्षित रखें, दूसरे को कि आप फेस कवर के बिना बाहर नहीं जाएं, घर के बाहर, चाहे सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों या लोक ट्रांसपोर्ट। दूसरा, दूसरे व्यक्ति से आप 6 फीट की दूरी रखें तो आप सेफ रहेंगे। और तीसरा, हाथों को साफ रखें, कभी भी कोई चीज ऐसी टच की गई हो सैनिटाइज करें, और सबसे बेहतर होता है साबुन और पानी से धोएं। जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वो ऑनलाइन लर्निंग करा रहे हैं, उनको भी अब अपने स्टूडेंट्स को इन्हीं चीजों के बारे में भी जानकारी देनी होगी, और स्टूडेंट्स भी अपने परिवार और अन्य सदस्यों को इस बारे में बताएंगे। और जो भी वॉलंटियर्स सरकार के साथ जुड़ना चाहें वो जिला प्रशासन से संपर्क करें। बाकी समस्त एनजीओस, अपने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस, जो भी जुड़ना चाहें कम्युनिटी अवेयरनेस में, जिससे कि सारे लोग जागरूक हो जाएं और हम सब लोग इस कोरोना संक्रमण के दौरान सुरक्षात्मक रूप से कार्य कर सके और सामान्य जनजीवन की ओर बढ़ सके। अंत में पुनः मेरा यही निवेदन रहेगा, कोई गैर जिम्मेदारी से कार्य नहीं करे जिससे कि इसकी जोखिम सबको उठानी पड़े। बाकी किसी भी प्रकार का आप सुरक्षात्मक कदम उठाएंगे, किसी भी प्रकार का घबराने की कोई जरूरत